ओह या एक्चुअली सॉरी मैं गलती से दूसरी मीटिंग खोल दिया था सॉरी सॉरी ओके सो एक लास्ट टॉपिक है इसको आज खत्म करते हैं ठीक है सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हाँ तो मैं पूछ रहा था कि uh, ये एज जो है ये नेटवर्थ है ये मतलब इसमें तुम देख रहे हो हम इसको कन्वर्ट कर दिए कुछ जीरो से वन के बीच वाली वैल्यूज में ऐसा क्यों कर रहे हैं कोई आइडिया दीपांशी हिमांशी कोई आइडिया जैसे कि वो वैल्यू सही है तो वन और गलत है तो जीरो गुड गेस्ट बट नहीं वैसा नहीं है तो होता क्या है जब uh, हम लोग बाद में देखेंगे जब ये तुम बाद में भी समझोगे अच्छे से मशीन लर्निंग जब हम करेंगे जब हम मशीन को सिखाएंगे तो क्या होता है वो वैल्यूज को देख के सीखता है तो तुम देखोगे एज की वैल्यू देखो 18 है 23 है 38 है ये वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू नेटवर्थ जो कि 300 है 459 है 345 है तो मशीन को ये लगेगा कि नेटवर्थ जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू एज क्यों लगेगा क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही है अब तुम इसको इमेजिन कर सकते हो ऐसे सिनेरियो को मान लो किसी का फोन नंबर फोन नंबर बहुत बड़ा होता है राइट वैसे फोन नंबर को लेते नहीं है मान लो फोन नंबर के छोड़ो ये सैलरी को ही देख लो तो जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी और जिसकी एज बहुत कम होगी मान लो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर हम बोल सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा एक फैक्टर लेते तो मशीन को यह लगेगा कि सैलरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू एज जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो क्यों नहीं चाहते क्योंकि तुम देख लो की one, एज की वैल्यू वन मतलब एज की वैल्यू आठ होगी तेरह होगी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है सिक्सटी या सेवेंटी पर नेटवर्थ कितना हो सकता है ये तो बिलियंस में बात कर रहे हैं ये तो 300 भी नहीं है 300 बिलियन है तो तुम सोचो ये वैल्यूज इतनी अनकंपेरेबल है बट मशीन को तो ये लगेगा कि नेटवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट मान लो हम लोग और मान लो सही में एज इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ तब तो हमारी मशीन धोखा खा जाएगी समझ पा रहे हो तो इस केस में हमको इसको स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है एक सिंपल चीज क्या करेंगे हम लोग ये जो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो क्या होगा मैक्सिमम मान लो है 459 ठीक है तो 459 को 459 से डिवाइड कर दो देखो राइट right में क्या हुआ हमें वन मिल गई वैल्यू तो हमने क्या किया ये वैल्यूज को जीरो और वन के रेंज में ले आए तो अब क्या हो गया ना नेट ना सैलरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना एज कम इम्पोर्टेंट है अब दोनों सेम है सेम लेवल में है अब हमारा जो मशीन है वो सही चीज सीख पाएगा ये नहीं होगा कि बिलियंस में है तो वो बिलियंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, दे समझ पा रहे हो थोड़ा, uh, कोई डाउट इसमें कि हम yes, क्यों कर रहे हैं हिमांशी तुम्हें समझ में आया तो तुम ये समझ पा रहे हो गे? ये हर जगह तुम्हें दिखेगा और तुम्हें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर धोखा ना खाए कि ओके बिलियन है मतलब ये ज़्यादा तो की बात करते हैं कि किसको डायबिटीज है, अब सी बात है जिसकी हो हो, कि वो ज्यादा डायबिटीज उसको चांसेस है राइट बट वो देखेगा भैया सैलरी मान लो तुमने सैलरी भी डाली है मान लो तो क्या होगा मान लो कोई बीस साल वाला आदमी ज्यादा कमा रहा होगा तो क्या होगा वो देख लेगा कि ये ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया वो बोलेगा बीस वाले को जल्दी डायबिटीज होगा दैट मेक सेंस मतलब एक तरीके से समझो कि वैल्यूज मतलब वो कितना वैल्यू है उस पर ज्यादा ना देखे कॉलम्स के बीच में तो एज का रेंज ही कम है और नेटवर्क का रेंज ही ज्यादा है तो रेंज को बराबर करने के लिए हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के तीन टाइप्स होते हैं क्या है तीन टाइप्स है जो भी वैल्यू है उसको मैक्सिमम से डिवाइड कर दो अभी तो सिंपल है तुम right ये, ये राइट यूज किया था ठीक है इसमें कोई डाउट कि सिंपल फीचर स्केलिंग कैसे कर रहे हैं सेम है समझ में आया ओके yes, yes, okay. अब मैं बात करता हूं

ओके okay, अब एक होता है जेड स्कोर मेथड ये भी बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला लगाना है क्या है मीन से माइनस कर दो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन यहाँ पे ना ये वैल्यूज माइनस थ्री से थ्री के बीच में होती है ठीक है तो ये एक चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा अब एक क्वेश्चन आना चाहिए देखो अभी हमने क्या किया ओरिजिनल डेटा को ये तीनों में डिवाइड कर दिया सिंपल फीचर सिंपल फीचर स्केलिंग में मिन मैक्स मेथड में जेड स्कोर मेथड में कौन सा मेथड अच्छा है ये तो पूछोगे ना कि कोई भी लगा लें है ना तो इसका क्वेश्चन जानने के लिए इसका कोड देखते हैं ठीक है थीके? तो लेट मी शेयर यू द कोड तो देखो हाँ ये देखो इसको फिर से करना पड़ेगा सेशन बंद हो जाता है ओके तो अभी हम देखेंगे ये मिसिंग वैल्यूज की पूरी थी तुम लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो देख सकते हो है ना मैं कोड भेज दूंगा आउटलायर्स के लिए है अब हम बात करते हैं सीधा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो ये मैंने एक डेमो डेटा बनाया है ओके okay? ये डेमो डेटा कुछ ऐसा दिखता है तो यहाँ पे ये पूरा डेटा है अब मुझे एज ये वही है जो मैंने अभी दिखाया था प्रेजेंटेशन में है ना अभी मेरे को क्या करना है आ, ये मेरा नेटवर्क आया मैंने क्या किया ये सिंपल फीचर स्केलिंग मेथड से ये निकाल लिया कर देता हूं, वो को तुम कर तो वो डाल देगा वैसे तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा उसमें इनप्लेस आता नहीं है तो तुम्हारा एज और नेटवर्क आ गया इसका ना डिफरेंस देखते हैं विजुअली आखिर ये कर क्या रहा है थोड़ा समझते हैं ठीक है विजुअली मतलब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ देखो अभी मेरा नॉर्मल चल रहा है मतलब मैं अगर अभी डी एफ डेमो दिखाऊं तो देखो क्या है ये मेरे को अभी एज वैसे का वैसे ही है नेटवर्थ ऐसे का ऐसे ही है मैंने अभी ट्रांसफॉर्म नहीं किया ठीक है मैं जब इसका ग्राफ बनाऊं बार आ, बार प्लॉट बनाऊंगा तो देखो क्या बनता है ये कुछ मेरे को आ, ये प्लॉट लिप भी मेरे को करना पड़ेगा एक सेकेंड एक सेकेंड ना यहीं पर डाला था ऊपर होगा हुँ. तो मैंने मैट प्लॉट कर लिया लाइब्रेरी वो हुई नहीं थी इसलिए वो एरर दे रहा था अब इसको विजुअली समझते हैं तो मैंने क्या किया ये प्लॉट को मैंने बनाया देखो ये ऐसा दिख रहा है नॉर्मल है मैंने अभी तो कुछ किया नहीं है है ना अब मैंने क्या किया इसको सिंपल मेथड क्या किया मैंने मैक्स से डिवाइड कर दिया अब मैं इसका प्लॉट बनाता हूँ ठीक है क्या आएगा सेम आएगा देखो दोनों प्लॉट तो सेम दिख रहा है रीपांशी कोई डिफरेंस दिख रहा है इसमें हिमांशी बताओ दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं यस yes, सर डिफरेंस पता है क्या है इसका रेंज देखो जीरो से चार सौ और इसका रेंज देखो जीरो से वन समझ पा रहे हो तो ये इसको बस श्रिंक कर दिया जीरो से वन में ठीक है अब मैं मिन मैक्स मेथड को यूज किया तो देखो क्या हुआ ये तो कुछ अलग बन गया देखो ये सेम नहीं है समझ पा रहे हो इसने कुछ डिफरेंट बनाया है अब वैसे ही मैं अगर जेड स्कोर मेथड से प्रिंट करूं तो ये तो कुछ और ही अलग है तो ये कर क्या रहा है इसको थोड़ा समझते हैं ये समझ में आया तीनों के प्लॉट्स अलग अलग हैं। अभी समझते हैं कि कौन सा यूज करना बेटर है ठीक है कौन सा यूज करना बेटर है ये देखते हैं तो डिफरेंस क्या है देखो सिंपल फीचर स्केलिंग श्रिंक कर दिया इसका क्या मतलब होता है देखो होता क्या है कि ये है ओरिजिनल डेटा स्केल डेटा ये कर रहा था सिंपल फीचर्स सिंपल फीचर स्केलिंग और जो तुम्हारा मिन मैक्स है ना वो क्या कर रहा है नॉर्मलाइज कर रहा है डेटा को कुछ इस तरीके से तो ये दोनों में डिफरेंस यही होता है कि सिंपल फीचर स्केलिंग जस्ट चेंजेस द रेंज ऑफ योर डेटा बट मिन मैक्स जो होता है वो नॉर्मलाइज कर देता है मिन मैक्स जो है ये ज्यादा बेटर होता है

ये आउटलायर को हैंडल करता है समझ पा रहे हो पर ये उस स्केल में नहीं होता ठीक है तो दोनों के एडवांटेज है डिसएडवांटेज है तो सिंपल स्केलिंग क्या कर रहा है सिर्फ श्रिंक कर रहा है मिन मैक्स क्या कर रहा है नॉर्मलाइज कर देता है जेड स्कोर आउटलायर का ध्यान रखता है समझ पा रहे हो पर ज्यादा पावरफुल मिन मैक्स है तो मैक्सिमम टाइम हम लोग मिन मैक्स को यूज करते हैं इतना समझ में आया ओके yes, yes, okay. तो अब बस हो गया ये लास्ट टॉपिक था अब मैं बस थोड़ा सा से -से ब्रीफ कर देता हूँ अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा तो ये टॉपिक्स तुम कर सकते हो है ना तो ये तो क्योंकि देखो मैं तो अभी तुम्हें ब्रीफ ही पढ़ा रहा हूँ ये जो है तुम्हें डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो नेक्स्ट जो है डेटा रिडक्शन ये करता क्या है डेटा रिडक्शन बेसिकली मान लो तुम्हारा थ्री डायमेंशनल डेटा है ना उसको वो टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है तुम देख पा रहे हो ये क्यूब के फॉर्मेट में मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस होती हैं इसको तुम टू डी में कन्वर्ट कर लोगे फिर वन डी में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको बोलते हैं डेटा डेटा को को रिड्यूस कर कर रहे हो बट हम फिर भी इस्तेमाल सकते हैं मतलब डेटा जितना पावरफुल था उतना वन डी डेटा भी रहेगा ठीक है और इसके ना बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं तो ये टेक्निक्स मतलब तुम पढ़ सकते हो तुम तुम्हारा स्पेशल इंटरेस्ट आ रहा है इसमें तो तुम इसमें आ, मतलब बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में प्लस तुम मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो फीचर सेक्शन रिडक्शन इसमें कॉम्पोनेंट फैक्टर बेस्ड बेस्ड है बेस रहता है प्रोजेक्टाइल रहता ये थोड़ा हाई लेवल डेटा एनालिसिस हो गया ठीक है डेटा एनालिसिस हो गया फिर आ, ये समझ में आया डेटा रिडक्शन क्या हो रहा है इसको तुम अच्छे से समझ पाओगे जब तुम ये सारे टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ पाओगे तो ये मैंने एक मैप दे दिया है जो तुम फॉलो करो और तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो सकता है अगर तुम इंटरेस्टेड हो इसमें तो और फिर लास्ट स्टेप जो है डेटा डिस्क्रिटाइजेशन तो ये क्यों हम लोग करते हैं इसके कुछ रीजन है ठीक है तो मैं बता रहा था ना कि आ, ये बेसिकली कैटेगोरिकल को कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर रहा करा कंटिन्यूस को कैटेगोरिकल में तो ये ना उसके टाइप्स होते हैं फीचर एनकोडिंग फीचर बिनिंग तो ये सब तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो क्यों करना है देखो उसका रीजन होता है पहला ये होता है कि इफ वी हैव वेट मान लो हमारे पास वेट है डेटा सेट में इसको ये कंटिन्यूस वैल्यू है इसको हम कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दिए लाइट मीडियम हैवी है ना तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं डेटा हमारा कम हो गया पहले इतना सारा डेटा था अब क्या हो गया लाइट मीडियम और हैवी और इसमें समझ में भी आता है क्योंकि अगर तुम्हें कोई बोलेगा फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन के जीज अब तुम्हें कौन सा समझ में आने वाला है कि इसका मतलब क्या है पर तुम बोलोगे इसका वेट थोड़ा लो है या इसका वेट थोड़ा मीडियम है ये थोड़ा सेंस बनता है तो ये इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी चीज ये होती है कि बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो कैटेगोरिकल डेटा में काम करेंगे तुम्हारे पास कंटिन्यूस डेटा है फिर तुम क्या करोगे तो तुम कंटिन्यूस को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करोगे समझ पा रहे हो तो वो भी एक चीज है तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जो तुम पढ़ सकते हो है ना तो इसलिए हम लोग डेटा डिस्कटा करते हैं तो डेट इट यही था तो अः इसमें कोई डाउट कि डेटा रिडक्शन क्यों हो रहा है एक तुम्हें लग गया होगा कि ये कर क्या रहा है बाकी तुम्हें अगर डीप अच्छे से पढ़ना है इसको तो ये मैप तुम्हें अवेलेबल है तुम जाके इसको देख सकते हो और ये क्योंकि हाई लेवल हो जाएगा डेटा साइंस ठीक है और वैसे ही फीचर इंजीनियर तुम डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के बारे में पढ़ना चाह रहे हो तो तुम फीचर इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो तो ये पूरा मैप दिया हुआ है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए ठीक है तो इसमें अभी तक कोई डाउट इस प्रोसेस में कोई डाउट डेटा क्लीनिंग में क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं और रिडक्शन और डिस्क्रिटाइजेशन में क्या कर रहे हैं कोई दीपांशी सर ठीक है समझ में आया तो ये ना फर्स्ट स्टेप होता है इसके बाद आ, मतलब फिर तुम चलोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुम्हें तो बहुत मजा आएगा उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग के साथ खेलेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मैं सोच रहा था फोर्टीन्थ को रखें। तुम लोग फोर्टीन्थ को अवेलेबल हो? संडे पढ़ रहे हैं? यस। यस। फोर्टीन्थ को कितने बजे? छह बजे रखूँ, दो बजे रखूँ? जब बोलो। दो बजे। दो बजे। सर छह बजे। डिसाइड कर लो छह बजे की दो बजे सर छह बजे क्योंकि आ, कोचिंग की भी क्लासेस होती है अच्छा हिमांशी ठीक है छह बजे यस सर ठीक है छह बजे छह बजे ठीक है यस yes, तो छह बजे रखता हूँ मैं है ना उसमें हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कवर कर लेते हैं ओके ये प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें दे देता हूँ ठीक है और कोर्ट का पीडीएफ मैं अपलोड कर देता ओके So, so, <laughs> तो ठीक है थैंक यू फॉर दिस क्लास नहीं है अब ऐसे एग्जाम्स रखेंगे तो फिर रटने लग जाओगे तो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए yes लास्ट sir. में क्या होगा मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे दूंगा तुम्हें जो खुद से करना पड़ेगा ठीक है और वो बाद में तुम रिजल्ट शेयर करना Uh, मतलब ऐप पे ठीक है उस पे उसके बेसिस पे तुम्हें स्कोर दे देंगे वो कैसा होगा मैं कैगल से कोई भी तुम्हें डेटा सेट उठाऊंगा और तुम्हें uh, वो इजी होगा चिंता मत मतलब करना तुम्हें पूरा टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा डेटा प्री प्रोसेसिंग पूरे स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे उसके बाद uh, क्या बोलते हैं uh, जो अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे अगर वो अप्लाई करना है वो करोगे मशीन लर्निंग का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो करोगे और फाइनली तुम्हारा एंड रिजल्ट कुछ आएगा वो एंड रिजल्ट तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा ठीक है या तो वो कर लो पर क्या है बहुत सारे लोग के पास आई गेस लैपटॉप नहीं है वो सब नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा तो तुम्हारे पास है दीपांशी घर में यस सर है बढ़िया तो तुम लोग कर सकते हो है ना और तो तुम लोग शो कर सकते हो वैसे इसका कोई वो नहीं है कि एग्जाम है कि नहीं है बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए ठीक है Thank you, sir. Okay. Thank, Thank you, sir. You know? Yeah. Bye bye.